5 लाख का इनामी है बदन सिंह बद्दू। नेपाल में असलम के जरिए सुपारी दी थी और साथ ही साथ शूटर विजय को 50 लाख की सुपारी दी थी। 5 जून को की गई संजीव जीवा की हत्या और लखनऊ कोर्ट में पेश के दौरान मारी गई थी गोली। असलम के जरिए बद्दू से शूटर विजय मिला था और यह बड़ा खुलासा हुआ है। नेपाल में असलम के जरिए सुपारी दी थी और बड़े खुलासे अब लगातार हो रहे हैं। ये बड़ा खुलासा हुआ है, शूटर विजय को 50 लाख की सुपारी दी गई थी। 5 जून को संजीव जीवा की हत्या की गई थी। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता उवेश अली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। उवेश, क्या कुछ जानकारी है, आगे क्या कुछ इस मामले को लेकर सामने आएगा? देखिए, तमाम जो प्रक्रिया है प्रशासन की वो लगातार जारी है और जिस तरीके से कार्रवाई को अगर मद्देनजर देखा जाए की बात की जाए तो लंबे समय जो है ये जीवा के जो मामला था 50 लाख रुपए की सुपारी इसमें दी गई वहां से असलम के जरिए दी गई थी। तो शूटर विजय यादव को संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को मारने 50 लाख की सुपारी दी गई थी। उसके कार्रवाई में 7 जून को लगभग लखनऊ कोर्ट में पेशी के दौरान संजीव माहेश्वरी और जीवा की हत्या में पुलिस ने उनको दाखिल कर लिया और चार्जशीट सबमिट कर दिए। क्योंकि 5 लाख रुपए का जो इनामी बदमाश था बदन सिंह बद्दू ने कार्रवाई की थी और संजीव जीवा की हत्या जो उन्होंने की थी उसके अंदर चार्जशीट दाखिल हो गई थी। शूटर विजय यादव को 50 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी और संजीव जीवा को मारने की सुपारी भी दी गई थी, उसके अंदर भी चार्जशीट जो है दाखिल कर दी गई है। नेपाल के असलम के जरिए जो शूटर विजय यादव है उनकी मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ था, जो दोनों के बीच में इनके डीलिंग हुई थी उसी को लेकर के इसको लेकर के अब जो उत्तराखंड से भी और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी जो वहां से उनकी वसूली के जो आदेश है वो जारी गए हैं। दिवस को जब इन्होंने मारा था तो उसको लेकर के हत्याकांड पूरा हुआ और उसको लेकर के लगातार कार्रवाई भी जारी है। अब अगला जो कदम होने वाला उठाया जाएगा उसके लिए प्रशासन होगा कि कितने ठीक है। उवेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर एटा से बता दें, जहां सगे भाइयों में मारपीट का मामला सामने आया है। शराब के नशे में दोनों के बीच विवाद हुआ, मारपीट का वीडियो भी दरअसल वायरल हो रहा है और एटा से यह पूरा